आज मैं भी सवाल कर रहा हूँ, हाँ मैं कोशिश करूंगा अगर आपको पूछोगे। जी सर, जो आपने जो 19 जिले बनाए हैं उसको लेकर किस तरह की प्रक्रिया सामने आ रही है? शानदार प्रक्रिया है, कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे मुझे 20 बनानी थी, चुनान के रह गया था 19-20 भी हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बाकी लोग अगर मुझे 10-20 किसी के पास प्लाट भी है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस प्लाट को भी जिला बना दूं, उसमें दिक्कत कहा नहीं है। सोनिया जी बात हो गई, राहुल जी बात हो गई, उन्होंने कहा सरकार हमारी आनी नहीं है, जब सरकार ही नहीं आनी है और मुझे कुछ देना ही है तो कहीं भी कुछ मेरे को क्या फर्क पड़ता है। आज हमारे साथ है सत्तार खान जी, भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने काफी भागीदारी रही है, इनकी अल्पसंख्यक जो मोर्चा है इनके अध्यक्ष रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही प्रदेश में भी इनके काफी लंबी चौड़ी जो भागीदारी रही है और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। और इनके एक इनका जो मेन चीज है जो काफी पॉपुलर हुए हैं ये है मिमिक्री के लिए, इनकी जो मिमिक्री है ये आम जनता को काफी पसंद आ रही है, लाखों लोग हैं जो इनको इनकी जो की गई मिमिक्री है वो देखते हैं और ये खास व्यक्ति के लिए ये मिमिक्री की जा रही है जिसको काफी सराहा गया है पूरे प्रदेश भर में पूरे देश में। आइए बात करते हैं इनसे, क्या है इनका कारण, क्या कारण से ये इस तरह की ये जो मिमिक्री कर रहे हैं ये कि, जी सर आप जो मिमिक्री करते हैं उसमें किस तरह के क्या कारण है, कि कहीं राजनीतिक कारण है या फिर लोगों को हंसाने का काम करते हैं, क्या कारण है? नहीं नहीं, ऐसे दोस्तों में बैठे बैठे मजाक के अंदर ऐसी आवाज निकालने की कोशिश की, लोगों को पसंद आई तो फिर दोस्तों ने 2-3 वीडियो बना के डाल दिए, बाकी किसी का दिल दुखाना या किसी की भावना को टेस्ट पहुंचाना मेरा काम नहीं। कब से कर रहे हैं मिमिक्री और आगे इसमें क्या किस तरह का जो रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है? मैंने 2021 के अंदर एक किया था, उसके बाद में 22 में एक किया था, अब 23 में 2 वीडियो वायरल हो गए, 4 वीडियो मेरे वायरल हो गए, मुझे पता भी नहीं था कि ये वायरल हो जाएंगे और लोग इसको लाखों की तादाद में पसंद करेंगे, ऐसा भी मुझे नहीं पता। तो सर जो मिमिक्री की जा रही है किस उद्देश्य से की जा रही है और किन व्यक्ति की जो आवाज निकाली जाती है आपके द्वारा? मुझे अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री आज राजस्थान सरकार के अंदर, उनकी आवाज में मैंने ऐसे निकालने की कोशिश की और मैं जो बोलता हूँ इत्फाक से वो सही हो जाता है, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर इसमें कि आपके द्वारा जो ये मिमिक्री की जाती है इसमें किसी तरह का मुकदमा दर्ज या किसी तरह की शिकायत या आपको इसका विरोध भी झेलना पड़ा है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी कोई ऐसी शैली या ऐसी भाषा भी नहीं होती, नॉर्मल हम बात करते हैं प्रधानमंत्री से लगा के बड़े बड़े जो फिल्मी स्टार है उनकी मिमिक्री होती है, इसके अंदर मुकदमे और वो वाली बात कहाँ है। तो अब आगे जो अभी जो लेटेस्ट जो निकाला है वो किस तरह का जो वीडियो है? अभी लेटेस्ट मेरा वीडियो आया था आपने देखा होगा, करीब 40 लाख लोगों ने उसको देखा है, हजारों आदमियों ने उसको शेयर किया है और बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है, अच्छा भी लगता है कि एक पहचान बनती है, लोग चर्चा करते हैं, लोगों के चेहरों पे हंसी आती है तो अच्छा लगता है। आपने काफी सक्रिय भूमिका निभाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिले में स्तर पर आपने कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो कहीं ये विरोध का किसी तरह का विरोध या किसी तरह की जो पार्टी के जो कांग्रेस के जो है उनके विरोध के लिए तो नहीं किया जाता है? नहीं, मैं कांग्रेस की अगर विरोध का करता तो मैं मनमोहन सिंह की भी निकालता, किसी और को भी निकालता, थोड़ी बहुत आवाज मैच खा रही है इसीलिए लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए करें, ये कोई बुरी बात भी नहीं है मेरे हिसाब से। और किसी भी कांग्रेसी आदमी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि आप में गलत कहा, क्योंकि मेरी जो शैली जो भाषा होती है बड़ी सभ्य और होती है। हाँ ये सच है कि मैं 36 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ का चेला हूँ, ये भी सच है, और अनेक पदों पर रहा हूँ, प्रदेश मंत्री भी रहा हूँ, 17 साल भाजपा का मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, जिला मंत्री मेन पार्टी में रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष, ऐसी कोई बात नहीं।